बहुत बढ़िया। पहले ये आंसर मिला लेते हैं, हाँ फिर करते हैं कुछ। हाँ बताइए, अभी डाउट आ जाएंगे बीच बीच में, वो देख लेंगे डाउट क्या क्या आ रहे हैं आपको, देख लेते हैं। ये सही लिखे लाइन से या इधर उधर है? NH3, SP3, NH4 प्लस SP3, NH2 माइनस SP3, NO3 माइनस SP2, NO2 माइनस SP2, NO2 प्लस SP, NF3 SP3, PH4 प्लस SP3, PCl3 SP3, PCl4 प्लस SP3, PCl6 माइनस SP3D2, PO4 माइनस 3 SP3, PCl3 SP3, PCl5 SP3D, XeF2 है ना शायद, उसके बाद XeF2 है, SP3D सही है, यहाँ तक सही है सब। XeF4 SP3D2, XeF6 SP3D3, XeO2 F2 SP3D2, नहीं, SP3D आएगा शायद, तेने भी डी लिखा है, कार्ड लिखा है तेने कुछ। XeOF4 SP3D2, XeO3 SP3, CLF3 SP3D, CLF5 SP3D2, CLF7 SP3D3, इट डज नॉट एग्जिस्ट, CLF7 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भूल गया। बताओ, कैन क्लोरीन फॉर्म 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स? यस, अरे यार, क्लोरीन कैन फॉर्म 7 कोवेलेंट बॉन्ड, कैन क्लोरीन फॉर्म 7 सिग्मा बॉन्ड, क्लोरीन है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, याद करो आप, थर्ड पीरियड का 6 होता है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, सेकेंड पीरियड का CLO4 माइनस SP3, CLO3 माइनस SP3, CLO2 माइनस SP3, CLO2 प्लस SP2, यहां तक डाउट बोलिए 27 नंबर तक। 28वां डाउट हो सकता है, N3 माइनस, N3 माइनस, अभी बताते हैं आपको इसको, अभी देखते हैं, है ना। फिर O3 भी डाउट हो सकता था, ये पूरी लाइन ही डाउट हो सकती है आपको, I3 माइनस भी और I3 प्लस भी, O2 इनवैलिड, कैसे निकालोगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए तो VBT बनी है, बताओ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको। SNF3 भी डाउट आ सकता है, इसके बाद SNCl4 है क्या? SP3, CCl4 SP3, CF4 SP3, CH3 माइनस SP3, CH3 प्लस SP2, CO3 माइनस 2 SP2, CO2 SP और CO इनवैलिड। अबे मतलब इनवैलिड से मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते इसमें, डायटोमिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन मत निकालिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल VBT से सॉल्व होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है उसमें। SO2 SP2, SO3 SP2, SF2 SP3, SF4 SP3D, SF6 SP3D2, SO3 माइनस 2 SP3, SO4 माइनस 2 SP3, IF3 SP3D, ये सही सीक्वेंस में बोल रहा हूं ना मैं, IF5 SP3D2, IF7 SP3D3, डाउट नहीं है? एक डाउट मुझे है, मैं पूछ लेता हूं, CLF7 के लिए मना कर दिया, इट डज नॉट एग्जिस्ट, IF7 एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? मुझे बताओ, क्या आयोडीन के आसपास 7 एटम आ सकते हैं और इसके आसपास नहीं आ सकते हैं? क्या ये बताया है क्या आपको? बता शायद, पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसके आसपास आ सकते हैं, नीचे जा रहे हैं तो शेल साइज बढ़ रहा है इसका,
IO3 minus sp3, BF4 minus sp3d, sp3, BF3, sp2. बस इतने ही थे, और भी काफी थे यार. BF2 sp, मतलब अगर ये कर लिए होंगे ना आपने तो काफी प्रैक्टिस हो गई होगी, मतलब मेरे हिसाब से फिर तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो जल्दी आ जाएगा फिर. BF4 minus 2 sp3, BCl2 sp, SiF4 sp3, SiF6 minus 2 sp3 d2, फिर N2H5+ भी दिया था आपको, ये डाउट आ गया होगा. sp3 sp3, OF2 का दिया हुआ, OF2 तो बाद में दिया है ना, अभी अभी देखते हैं आ रहे हैं उसको भी. H2O sp3, S3O+ sp3, OF2 sp3 और CF2 sp2, ये लास्ट था क्या? अब बोलिए डाउट, इनके अलावा बोलिए. H3O+ और बोलिए डाउट. SF4 sp3d है, सही है. OF2 और बोलो इसके अलावा डाउट. करूं डिस्कस करना चालू करूं? देखिए सबसे पहले N3 minus O3 I3 minus I3 plus, ये सेम टाइप के हैं सीक्वेंस. आप एक काम करो, इसको स्प्लिट कर दो. स्प्लिट बता दीजिए, स्प्लिट करके हाँ Ai2 minus Ai2 plus, बस तो फिर तो क्या दिक्कत आई यार. इसको स्प्लिट कर दीजिए, N N2 minus, इसको OO2, इसको Ii2 minus, इसको Ii2 plus, फिर तो क्या दिक्कत आनी थी, वैसे तो बच गया. क्या है, नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 5, एक खाया तो 6. अब ये बताओ जो साइड के नाइट्रोजन है 2, हर एक नाइट्रोजन कितने कितने बॉन्ड बनाए? 3-3 बॉन्ड बनाएगा. तो जब 3 बॉन्ड ये बना देगा, 3 बॉन्ड ये बना देगा साइड के, तो उसके पास बचेगा कुछ भी नहीं. तो बताओ कितने सिग्मा? 2. और लोन पेयर 0. हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी ये. इस क्वेश्चन में ऐसा डाउट आ सकता है आपको, मैं बता देता हूं और क्या डाउट चल रहा होगा. नाइट्रोजन के ऊपर माइनस लगाया तो 1 2 3 4 5 6 हो गई भाई साहब. आपने कहा ये साइड के 3 नाइट्रोजन ऐसे जोड़ दो, ये तो आपके हिसाब से तो ये है भाई साहब ये. हाँ मैंने कहा है, पर ये तो गलत है स्ट्रक्चर. तो ये कौन से सही है और कौन से सही कर रहे हो? सारे तो जुगाड़ से कर रहे हो. आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था तो उस टाइम मैंने बोली थी कि जुगाड़ वाली चीजें हैं, स्ट्रक्चर नहीं है. एक्यूरेट स्ट्रक्चर N3- का तो ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस माइनस. ये अभी सिखाया नहीं है आपको, ये अभी बताया नहीं इसके बारे में. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़े इतने सारे, तो फिर बहुत मेहनत हो जाएगी. इतने सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप फिर तो स्ट्रक्चर पहले पूरे सीखने पड़ेंगे. तो सारे स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती. तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जब भी आपसे कोई पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन, तो आप जो है जुगाड़बाजी करोगे, जुगाड़ से हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे. ये बात मैंने पहले भी बोली होगी शायद पिछली क्लास में, कि जुगाड़ से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे या कुछ, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जुगाड़ है. जैसे मान लीजिए NH4+ है. अब तुम्हें इसका स्ट्रक्चर याद है क्योंकि मैं बता चुका इसका स्ट्रक्चर तुम्हें. मुझे बताओ ये जो प्लस है ये हाइड्रोजन पे है, असलियत में ये कहाँ है? हाइड्रोजन पे है ना, पर लेते किस पे अपन? नाइट्रोजन पे. तो गलत ही कर रहे हैं ना अपन, काम तो गलत ही कर रहे हैं. पर जुगाड़ से ही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन. अगर आप जुगाड़ से नहीं निकालोगे, अगर आप ऐसे निकालोगे बोले स्ट्रक्चर बना के फिर देखेंगे, अरे तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा. सेकेंड थिंग, गलत होने के भी चांसेस है. और हाइब्रिडाइजेशन निकालने पे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन शेप, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, आगे बढ़ता है क्वेश्चन, जो आज अपन थोड़ा करेंगे पीछे. तो ये सब चीजें जो है ये जुगाड़बाजी की चीजें हैं. तो अब बताइए ये जुगाड़ का स्ट्रक्चर है, करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है. बताइए कितने सिग्मा बन रहे हैं? लोन पेयर कितने नाइट्रोजन में? 0. ऐसे
तो लोन पेयर निकालने के लिए करनी पड़ती है जुगाड़बाजी। ओ टू, अब आप बताएंगे आंसर सारे, बताइए बोलो। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? छह में से कितने बॉन्ड में चले गए? चार चले गए ना बॉन्ड में, छह में से चार चले गए बॉन्ड में। कितने लोन पेयर बचे? एक लोन पेयर हो जा तो एसपी टू। आई टू माइनस आयोडीन के बाहर सात, एक खाया आठ। कितनों से बॉन्ड में चले गए? दो। कितने बचे? छह। कितने लोन पेयर? तीन। तो तीन तो लोन पेयर। एसपी थ्री डी आई आई टू प्लस आयोडीन के बाहर कितने? सात। एक निकाल दिया छह, कितने बचे? दो से बॉन्ड बन गया तो कितने बचे? चार। तो दो लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर प्लस दो सिग्मा तो एसपी थ्री। एच थ्री ओ प्लस भी पूछा था भाई साहब ने, इन्होंने सिंपल सा है। ऑक्सीजन के बाहर कितने? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है इसमें। अब देखिए सेंट्रल एटम पहचानना भी बड़ी बात होती है। सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? सेंट्रल एटम क्वांटिटी में कम होता है, जो क्वांटिटी में कम वो सेंट्रल एटम। तो बोले इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें कौन क्वांटिटी में कम, ये दोनों ही क्वांटिटी में कम। क्या इसमें समझ में आ रहा है क्या? कौन है इसमें सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन। कैसे बनेगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा देखते हैं। SNF3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव भूल गया तू, तू वही है ना जिन इलेक्ट्रोनेगेटिव भूल गए थे तुम उस दिन है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3। ऑक्सीजन की 3.5, सल्फर की 2.5 कम होती। इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोई लेन देना नहीं है, सुन ध्यान से। जो क्वांटिटी में कम है वो सेंट्रल एटम, पहली बात। अगर क्वेश्चन अभी भी नहीं हो रहा है तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बना सके वो सेंट्रल एटम। बोलो सल्फर और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? सल्फर। तो इसलिए सल्फर सेंट्रल एटम। और एक पॉइंट और ध्यान रखिए आज से, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, नेवर बी सेंट्रल एटम। ये बातें अभी लिखवा रहा हूं मैं आपको, पहले ये खत्म कर लेते हैं। तीनों पॉइंट लिखवा देता हूं आप, इधर देखिए आप तीनों पॉइंट लिख लेंगे भी। तो SNF3 का स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर है, अब कोई गड़बड़ वाली स्ट्रक्चर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। ये S ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन FFF, ये बताओ कितने सिग्मा टोटल? लोन पेयर क्यों? छह ही थे, छह के छह चले गए, मतलब हो गए पूरे, हिसाब पूरा हो गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और चार सिग्मा SP3। तो इसीलिए H3O प्लस में बताओ कौन सेंट्रल एटम बनेगा? ऑक्सीजन। अब बताओ ऑक्सीजन के बाहर कितने? छह। एक निकाल दिया पांच, पांच में से कितने चले गए? क्या एक लोन पेयर बच गया? तो तीन सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल चार SP3। और N2H5 प्लस, ये देखिए, ये मैंने पता नहीं क्यों दे दिया आपको, देखिए ठीक है कोई बात दे दिया, तो देखिए ये बनेगा N2H4 और H+ के कॉम्बिनेशन से। N2H4 और H+ का कॉम्बिनेशन। अब N2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? N2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, N सिंगल बॉन्ड N, ये H, H और ये H, ऐसे ये N2H4 बन गया। थोड़ा ध्यान दीजिए, बताइए इसमें लोन पेयर है क्या? है इस पे लोन पेयर? बताओ इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? इसका ऑक्टेट भी क्या देने लायक है? तो जैसे ही ये देने लायक है तो ये H+ को दे देगा। एक बोले इसने क्यों दिया? उसको दे देता। हाँ तो दे देता, वो दे देता, उधर बनाया था कोई भी। मुझे बताओ कितने सिग्मा बना रहा है? अभी भी उलझते रहते हो ना तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। नहीं ये क्या है, ये ऐसा कौन सी चीज है ये? मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये यही चीज है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, किसके हैं? बस ये इतनी सी बात बता रहा है कि नाइट्रोजन के हैं। बताओ क्या ये शेयरिंग है क्या? तो शेयरिंग है ना, इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल शेयरिंग है।
ये लोन पेयर रह गया। अब आपसे पूछिए हाइब्रिडाइजेशन दोनों नाइट्रोजन पर, इनमें दो नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी, इसकी भी sp3 और इसकी भी sp3, बना लो स्ट्रक्चर 2H5 प्लस को। अब तीन पॉइंट्स लिखो सेंट्रल एटम के लिए, पहला पॉइंट लिखिए एटम विच इज लीस्ट इन क्वांटिटी, एटम विच इज लीस्ट इन क्वांटिटी एक्ट एज सेंट्रल एटम, atom which is least in quantity acts as central atom, second point likhiye, batao kya likhoge second point, central atom will form more number of bonds, एक और बात लिख दीजिए हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर एक्ट एज, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम, बताओ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पढ़ा सिखाया था तुम्हें, बताओ कैसे निकलती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन, बताइए क्या ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है स्पीशी वो अनस्टेबल या स्टेबल, बताओ हाई एनर्जी है लो, अगर वो हाई एनर्जी में रहेगा तो बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश, मतलब हाई एनर्जी में रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर उसकी एनर्जी को अगर लो कर दिया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लो करने के लिए क्या उसको खींचना पड़ता है, कौन खींचेगा सेंट्रल एटम जिसका वो है उस पर क्या हो प्लस तभी वो खींचेगा, प्लस चार्ज आए तो खींचेगा, बताओ साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना चाहिए उसके लिए तभी सेंट्रल पे प्लस आएगा और वो उसको खींचेगा, बताओ सी एफ थ्री में, सी एफ थ्री का मॉलिक्यूल है मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन, बोलो sp3 कितने सिग्मा, और एक इसको भी मानेंगे, अब कुछ लोग आए मेरे पास कह दिया इसको लोन पेयर मान लेंगे, अरे काय को मान लोगे लोन पेयर है क्या, हो तो कुछ पड़ा पुराना हुआ हो ठीक है तो ये बात सही नहीं है कि लोन पेयर मान लेंगे, अरे मान क्यों लेंगे भाई साहब है, लोन पेयर है ही नहीं, हो कभी भी नहीं बने वो लोन पेयर, वो ऑड इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल है, हाँ उसको एक काउंट कर लेंगे अपने मन में अलग से कि भाई हाँ ये भी पार्टिसिपेट करेंगे भाई साहब, तो sp3 हो गया, इधर ध्यान दीजिए, अब आज का टॉपिक अपन शेप्स पढ़ने की कोशिश करेंगे और इधर ध्यान से देखिएगा कि अपन क्या पढ़ना चाहते हैं, शायद थोड़ा सा कल लिखा भी था परसों भी लिखा भी था, कोई बात नहीं आप शुरुआत से इधर से फिर से ध्यान दीजिए एक बार, इधर ध्यान दीजिए, अरे यार मैं भूल गया यार, इधर देखिए आप BEF2 इधर ध्यान दीजिए, लिखना छोड़ दीजिए, BEF2 बेरिलियम फ्लोराइड, बोलिए हाइब्रिडाइजेशन, बोलिए हाइब्रिडाइजेशन sp, बताओ क्या ज्योमेट्री लीनियर आएगी, लीनियर, लीनियर मतलब लीनियर अरेंजमेंट में इसको जमा दिया BEF और ये F, मुझे बताओ क्या बॉन्ड एंगल ये होता है दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना डिग्री है 180 डिग्री, अगर यही अपने SO3 आ जाता बताओ सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन, आराम से सही निकालिए, पर सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्या 6 के 6 चले गए,
बताओ लोन पेयर नहीं बचा, सिग्मा तीन एसपी टू। तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू आए वैसे सोच लिया करो ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ये इसको जमा दो, इसको जमा दो इसमें। कैसे जमाओगे? सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ गया कि डबल बॉन्ड क्यों लगाया मैंने, डबल बॉन्ड ही लगेगा भाई साहब। दिस इज द एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर ऑफ SO3, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO3। कितने सिग्मा? तीन सिग्मा। पाई कितने? तीन पाई। बोलो यहां तक सब सही हो तुम? ये है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, एग्जैक्ट ट्राइगोनल प्लेन। मान लीजिए आपके सामने SO2 आ जाता है, इसमें से भी सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, मुझे बताओ क्या अंतर क्या है इन दोनों में? क्या इसमें लोन पेयर है? तो अब इसको जमाने की कोशिश करोगे तो यहाँ लोन पेयर आया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाया, या डबल बॉन्ड O लगाया। ये देखिए आप इसको हटा के लोन पेयर लगा दिया। बताओ ऐसा कुछ बताया था क्या मैंने आपको लोन पेयर हिलता है? मैंने ऐसा बताया था कि ये हाथ और लोन पेयर? हाँ यार मैं बिल्कुल भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गई। ये लोन पेयर, ये देखिए लोन पेयर। गुड, मुझे बताओ लोन पेयर हिलता है? यूं यूं हिलेगा तो ये क्या बॉन्ड यूं हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बताओ इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा। इसका मतलब लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम करता है। बॉन्ड एंगल नहीं पढ़ना चाहते, बॉन्ड एंगल आज अगर अपना ये कंप्लीट हो गया तो पढ़ लेंगे। बॉन्ड एंगल अलग तरीके से कंपेयर होता है, वो स्टेप से चलेंगे बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएंगे आपके। ये SO2 का शेप, ये जो शेप होगा अब ये होगा वी शेप। कौन सा शेप? वी शेप। क्यों? लोन पेयर को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे शेप? इलेक्ट्रॉन से नहीं बनते शेप, जो प्रोटॉन जो एटम्स हैं जो न्यूक्लियस है वो होना चाहिए। अब न्यूक्लियस इसका थोड़ी ना होता, इसका होगा न्यूक्लियस, इसका होगा, इसका होगा, न्यूक्लिया दिखना चाहिए, न्यूक्लियस से शेप बनेगा। इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा कहां से क्या शेप बनेगा, पर हाँ एटॉमिक अरेंजमेंट से शेप बनता है। तो ये जहां जहां एटम्स उसके पाथ को ट्रेस कर लो वो शेप है, ये वी शेप। दूसरा नाम बेंट, तीसरा नाम एंगुलर। बॉन्ड एंगल 120 से कम, जो भी 120 से कम ये नहीं कहना चाहता, मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्या ये sp3 है? ये भी sp3 है। इस पे लोन पेयर है? इस पे लोन पेयर? इस पे लोन पेयर कितने? क्या ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? ये CH4 का मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं आपके सामने। ये CH4, देखिए सबसे डिफिकल्ट ज्योमेट्री है sp3 से जो आती है, टेट्राहेड्रल जिसे कहते हैं, ये सबसे डिफिकल्ट ज्योमेट्री है। मतलब ये इसको फील कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको थोड़ा सा फीलिंग दिखाता हूं। ये देखिए ये एक V आपको ऊपर दिखेगा, केवल ऊपर वालों को कंसीडर करिए, नीचे वालों को मत देखिएगा। ये और नीचे वाला V देखिए ऐसे दिख रहा है। क्या ऊपर वाला V और नीचे वाला V सेम फेज में, सेम प्लेन में? क्या ये ज्योमेट्री 3D है? पेपर पे नहीं समझा सकते यार इसको, इसलिए पेपर पे, यहाँ पे बोर्ड पे मैं कितना ही समझा लूं आपके समझ में नहीं आएगी। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, आपको एक रेड दिख रहा है इसमें, ब्लू दिख रहा है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ये ब्लैक दिख रहा है तो ऑरेंज बोलूंगा तो दोनों ऑरेंज हो जाएंगे ना। ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लू, ये रेड, ये ग्रीन। बताओ ग्रीन और रेड के बीच में एंगल दिख रहा है? ब्लू रेड के बीच में भी दिख रहा है। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है?
एग्जैक्ट आंसर चाहिए, फालतू आंसर नहीं चाहिए। बताओ रेड ब्लू, ब्लू ब्लैक, रेड ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, ग्रीन रेड और ग्रीन ब्लू। कितने बॉन्ड एंगल पॉसिबल हैं? छह। छह के छह कौन से डिग्री? 109 डिग्री। ये CH4 का मॉलिक्यूल है। मान लीजिए एक लोन पेयर आ गया, मान लीजिए ये लोन पेयर, क्या हिलता है क्या? जब ये हिलेगा तो इन्हें धक्के मारेगा, ये धक्के मारेगा इन्हें। ये ने स्त्री का केस, ये लोन पेयर हटा दिया, ये ऐसे सिकुड़ जाएंगे। बताओ इनका बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं पिरामिडल। क्या शेप हो गया? पिरामिडल, पिरामिडल टाइप दिखेगा। फिर वापस मैं वापस वही बना देता हूं टेट्राहेड्रल, ये एक वी और दूसरा वी ऐसे। मान लीजिए दो लोन पे रहा है तो दोनों हिलेंगे। हाँ और ज्यादा होगा चाहिए, ये क्या और ज्यादा सुकुड़ जाएंगे। बताओ शेप क्या वी शेप बनेगी? ये भी वी शेप। तो बताओ इसकी शेप क्या बनी थी? वी अभी बनाई ना हमने, इसकी क्या बनी? पिरामिडल। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और इसकी टेट्राहेड्रल। मुझे बताओ ये वी शेप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से है? SP3। और ये वी शेप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से है? SP2। क्या दोनों में डिफरेंस है? दोनों में अंतर है। एक SP2 हाइब्रिडाइजेशन से वी शेप आया, एक SP3 हाइब्रिडाइजेशन से वी शेप आया। कोई बात नहीं, आने दीजिए, जो आ रहा आने दीजिए शेप, जो शेप बना कोई दिक्कत नहीं है। अब वी शेप मुझे बताओ ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? वी शेप प्लेनर है, पिरामिडल है, नॉन प्लेनर। 2D या 3D? टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर। ये देखिए, क्या आपको ये ट्राइगोनल दिख रहा है क्या? ट्राइगोनल दिख रहा है, घुट रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर है क्या? एक कॉपी पे समझा सकते हो इसको? इसके ऊपर एक ये लगा दिया, क्या आप समझा पाओगे? ये नीचे भी लगा दिया। बताओ क्या ट्राइगोनल तो दिख ही रहा है, क्या बाई पिरामिडल दिख रहा है? इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ऊपर वाला जो रेड है और नीचे वाला जो ग्रीन है, इन्हें बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ये जो बीच के हैं, यानी दो तो ऑरेंज कलर की रिफिल इनकी दिख रही है और एक ग्रीन कलर का जो ये है, ये वाला, ये इनको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। बताओ रेड और ग्रीन ऊपर नीचे वालों को एक्सियल, ये और ये बीच के ये जो है इक्विटोरियल, लंबे होते हैं एक्सियल, एक्सियल लंबे, इक्विटोरियल छोटे। ध्यान से सुनिए आप बात, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है, यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मुझे बताओ रेड और ये, रेड और ये ग्रीन के बीच में कितना एंगल है? ये रेड और ये, ये रेड और ये 90 के कितने हैं? 6। समझे नहीं आप? क्या नीचे से भी है? 120 कितने हैं? क्या आपको 120 के बीच वाले दिख रहे हैं? 180 के कितने? एक। कौन लंबे कौन छोटे थे इसमें? एक्सियल लंबे, इक्विटोरियल छोटे। मान लीजिए आपके पास कोई आपका पर्सनल सामान है, मतलब कोई चीज है, क्या वो आप अपने पास ही रखोगे? मतलब आपसे कहा जाए एक्सियल पोजीशन पे रखें या इक्विटोरियल, आपकी जो पर्सनल चीज है, तो बताओ कहाँ रखोगे? इक्विटोरियल। क्यों रखोगे इक्विटोरियल? वो छोटी है, पास है। ध्यान से सुनिएगा और वापस एक बार बनाते हैं। ये टेढ़ा हो गया, ये
मुझे बताओ ये जो बीच वाली पोजीशन है इस पे आपने लोन पेयर रखा, ठीक है ना, ये ओहो यहाँ लगा नीचे, ये रहा ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, और लगा एक ही जगह रखे ना, यहाँ रख ले पर अभी हिला मत, तो नीचे ले जाता जा रहा दूसरे को, बैठिए 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 कोई बात, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर बीच में लोन पेयर लगाया, सुनते हैं ना ध्यान से, अब आप मान लीजिए आपने इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर लगाया, पर्सनल चीज थी आपकी, ये लोन पेयर शेप में कंसीडर नहीं होता, ये बचा, इसको टेढ़ा कर दिया, बताओ क्या ये सीसॉ दिख रहा है आपको? सीसॉ खेला है आपने बैठे हो आप बचपन में अपनी फ्रेंड्स के साथ सहेलियों के साथ में, कुछ ऐसा बचपन का ये सीसो। एक और लोन पे आया तो एक और बीच में आ जाएगा, ये बचा रहेगा, दो निकल गए, टी शेप, और एक और लोन पे आया तो ये बीच में से और निकल गया, तो क्या ये लीनियर बन जाएगा? अभी इनको देखते हैं और बना के थोड़ा सा लिखते हैं, फिर बना के वापस से देखेंगे एक बार। लिखिए, आपने शायद एसपी हाइब्रिडाइजेशन लिख ली थी और एसपी टू नहीं लिखी थी आपने, है ना? इक्विटोरियल अभी समझ में आ जाएगा आपको, अभी लिखिए आप एक बार, अभी आपके पास, आपकी सुन रहा हूं बात, लिखिए हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू। ज्योमेट्री लिखिए, ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल लिखिए नीचे 120 डिग्री, एग्जाम्पल एसओ थ्री, एसओ थ्री बना दीजिए, फिर नीचे लिखिए इन केस ऑफ वन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इन केस ऑफ वन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इन केस ऑफ वन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम शेप विल बी वी शेप, shape will be V shape, example SO2, example SO2, शेप बना दीजिए SO2, जो लिख रहे हो तुम्हें समझ में आना चाहिए, नेक्स्ट लिखिए हाइब्रिडाइजेशन SP3, नेक्स्ट लिखिए हाइब्रिडाइजेशन SP3, ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप टेट्राहेड्रल,
geometry oblique shape tetrahedral bond angle 109 degree. एक कुछ लोग ये एग्जैक्ट ये 28 मिनट भी लिखते हैं इसको, ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू कैन इग्नोर ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप चाहे लिख लीजिए चाहे इग्नोर कर दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है. एग्जाम्पल CH4. अब टेट्राहेड्रल को जब भी आप दिखाएंगे ऐसे ऐसे, ये अपन ने थोड़े दिन पहले भी बनाया था, अभी शायद एक दो दिन पहले जब अपन ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे इसमें, बताओ क्या बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना है, बताओ इधर sp3 1s, ये तो sp3 1s से बना है, पर ये तीनों, अच्छा sp3 ch4, फिर लिखिए इन केस ऑफ वन लोन पेयर ऑन सेंटर एटम, इन केस ऑफ वन लोन पेयर ऑन सेंटर एटम, shape will be pyramidal. Shape will be pyramidal. Example NH3. NH3 का structure बनाइए, उस पर lone pair दिखाइए. नेक्स्ट लिखिए इन केस ऑफ टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इन केस ऑफ टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम क्या शेप विल बी वी शेप, V oblique bent oblique angular तीनों लिख सकते हैं आप. Example H2O. Next hybridization sp3d, बना दीजिए बहुत बढ़िया शेप, स्ट्रक्चर बनाने में कोई बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है आप बना रहे हैं तो. ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, दो लोन पेयर दिखाओ. नेक्स्ट लिखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, स्टार लगाइएगा इस ज्योमेट्री पे, यहां से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, स्टार लगाइएगा इस ज्योमेट्री पर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अच्छा कौन कौन से बॉन्ड एंगल थे इसमें, अच्छा 90 था क्या, 90 के कितने थे, तीन ऊपर से थे, नीचे से, अच्छे थे, 120 का भी था और 180 का भी, तो 90, 120 एंड 180 लिखिए, तीनों लिखिए, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 90, 120 एंड 180. एग्जाम्पल PCl5, PCl5 का स्ट्रक्चर बनाइए. एग्जाम्पल PCl5, और ये कैसा स्ट्रक्चर बनाया था ने? वो बनाया ना ढंग से, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये देख इसमें फिट करो, कहां फास्फोरस यहां लगाओगे और पांचों क्लोरीन लगा दो, अरे ऐसे बनाओ स्ट्रक्चर, कौन है एक्सियल इसमें, यहां लिखो एक्सियल,
एक्सियल, और इस पे एरो लगा के लिखो, यहां क्या लिखोगे? इक्वेटोरियल। तो तूने फिर भी टेढ़ा बनाया देखने के बावजूद भी इसको। उधर वो क्लोरीन कहां उधर जा रहा, वो वाला, हाँ सीधा बनाया ना 120 डिग्री पे यूं। हाँ अभी से स्ट्रक्चर सही बनाने की आदत डालोगे तो डाइपोल मोमेंट में गलती नहीं होगी। स्ट्रक्चर बिल्कुल अभी सही से बनाइए, ये डाइपोल मोमेंट में बनाने ही पड़ेंगे आपको सही, तो फिर वहां गलती होगी। यही बना लो ना एक बार में, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, वहां तक जाते जाते याद हो जाएंगे, हवा में ही कर दोगे सवाल को। जी अभी भी टेढ़ा है होने को तो, पर कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा ये। आप बस इतना बना दीजिए वहां कि ये वहां लिख दीजिए एक्सियल इक्वेटोरियल, और उसको ध्यान से बनाइए तरीके से। कौन लंबे हैं? एक्सियल लिखिए, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। फिर लिखिए नीचे इन केस ऑफ वन लोन पेयर, इन केस ऑफ वन लोन पेयर शेप विल बी सीसॉ। इन केस ऑफ वन लोन पेयर शेप विल बी सीसॉ। सीसॉ की स्पेलिंग याद है ना? ऑब्लिक डिस्ट्रॉटेड टेट्राहेड्रल, डिस्ट्रॉटेड टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल लिखिए SF4। हाँ अब ये बताओ लोन पे आ गया ना, एक बताओ कहाँ अरेंज करोगे, बीच में ऊपर नीचे? बीच में। तो यहाँ इक्वेटोरियल पे एक लोन पेयर दिखाइए, देखिए देखिए एक बार देख लीजिए क्या बना रहा हूं मैं। ये फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब अगर आप इसको टेढ़ा करोगे ना यूं, ये तो यूं खड़ा हुआ है, यूं यूं अड़ा पटक दो तो सीसो टाइप दिखेगा आपको। ये हाँ नहीं, इसमें नहीं रहे तो बॉन्ड एंगल हाँ बिगड़ जाए, 120 भी नहीं रहेगा, कुछ भी बिगड़ गया, सारा ही मामला बिगड़ गया। हाँ नहीं मत बना, ज्यादा कंफ्यूजन फैल जाएगा। हाँ बना दो SF4 सही है। फिर नेक्स्ट लिखिए इन केस ऑफ टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, कौन सा शेप बनेगा? टी शेप, शेप विल बी टी शेप। एग्जाम्पल CLF3, ये बनाइए स्ट्रक्चर। बन गया क्या भैया? नेक्स्ट इन केस ऑफ थ्री लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, क्या शेप बनी थी? लीनियर। एग्जाम्पल XeF2, XeF2 बना दो, आप भी बना दो इसको।
कैसे बनेगी देखिए, इधर देखिए एक्सी, ये लोन पेयर, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये हाँ, इसमें 180 आएगा क्योंकि लोन पेयर तीनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एक्सी एफ टू। ये क्या पूछा है इसने पता है तुम्हें? तुम्हें पता भी चला ये क्या पूछ रहा है? इसका बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 180 आ जाएगा क्या? ये पूछ रहा है भाई साहब। क्यों ये लोन पे रिपल्शन नहीं करेंगे, बॉन्ड तेड़े नहीं करेंगे? तो जो इतना ये करेगा उतना उसको करेगा, उतना सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सिमेट्रिकली। ये बात समझ में आई तुम्हारे जो बोली लास्ट मैंने? तीन लोन पेयर जब इफेक्ट एक साथ देंगे ना तो वो बॉन्ड सीधे के सीधे रह जाएंगे। भाई ये मार्कर रखा, इस मार्कर को यहां से खींच रहा हूं मैं और इधर से भी खींच रहा कोई, तो यही रह जाएगा ना ऐसे। सही बात है, चौथी क्लास है, बाकी के मास्टरों के कैसे मजे लें, इसके लो है? ले ले मजे सारे मेरे, कह रहा वहां लोन पर उसके आस पास इधर होना। अरे तुम समझ में आ रहा है क्या पूछा उसने? प्रिडिक्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। Predict shape of following molecules. ये इनके शेप्स निकालिए, शेप्स प्रिडिक्ट कीजिए इनके। कैसे करेंगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और फिर लोन पेयर चेक करेंगे किस पे कितने सेंटर डबल लोन पेयर है, उस हिसाब से शेप्स बताएंगे। नहीं नाम लिख दीजिए, केवल बनाना नहीं है भैया, बना लिए ना आपने बस एग्जांपल लेके, कोई दिक्कत बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ना, का केवल नाम लिख दीजिए बस, क्या शेप आई है बस, और कुछ पूछिए।
सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी सबकी और लोन पेयर चेक करने पड़ेंगे उसके बाद। And अरे पहला पिरामिडल, दूसरा टेट्राहेड्रल, तीसरा पिरामिडल सीएलओ फोर माइनस टेट्राहेड्रल एनएच टू माइनस V shape, NH2 minus V shape, XZO2 F2 seesaw, और I3 minus linear। देखिए आप धीरे कर पा रहे हैं वो कोई बात नहीं, सही इंपॉर्टेंट करना है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, आप सही कर रहे हैं वो बहुत ठीक है, प्रैक्टिस से तेजी भी आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं हाँ लीनियर है बिल्कुल, मैं तो ये पूछ रहा था, कुछ डाउट हो तो बता दीजिए। मैं आपके सामने एक शेप बनाता हूं, आप बताइएगा ये शेप कौन सी है। ठीक है, इधर देखिए टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल प्लेनर, और ये और यू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नहीं समझे आप बात को, इसको मैंने लेटा दिया, ऐसे कर लो ना, ये ट्राइगोनल और ये बाई पिरामिडल, इसी को मैंने यू घुमा दिया, कैसे भी कर सकते हैं भैया। ये बताइए कौन सी शेप बनेगी, बताओ बीच में क्या स्क्वायर बनाया और फिर बाई पिरामिडल, कौन सी शेप बनाई, स्क्वायर बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 होगी तो ज्योमेट्री या शेप स्क्वायर बाय पिरामिडल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, इतनी सिंपल ज्योमेट्री है, सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, ओ बॉन्ड लेंथ सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं, सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। इधर देखिए एक बार, ये स्क्वायर बाय पिरामिडल, बताओ 180 डिग्री के कितने, एक बार फिर से देखिए, ये स्क्वायर है, ये बाय पिरामिडल 90 डिग्री के, यू दो तीन
चार, और ऐसी चार नीचे से आठ, और बीच के भी तो हैं, तो कितने हो गए 12। अच्छा 120 डिग्री का है क्या? कोई कोई नहीं है, केवल 90 और 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। इसमें एक लोन पर आया, आपकी मर्जी हो जहां रख देना। एक पेज फाड़ के दे नीचे से, हाँ यहीं से दे दे, और पेन भी दे। ये स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर, और ये बाय पिरामिडल। समझ में आ गई बात? ये स्क्वायर और ये बाय पिरामिडल, आप इसको ऐसे बना लो। ये बाई पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं इसको? दो पिरामिडल दिख रहे हैं आपको, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। मान लीजिए एक लोन पर आया, यहां लगा दिया, तो ये छुपा लो इसको, बताओ क्या ये स्क्वायर पिरामिडल रह जाएगा केवल? दो लोन पर आए तो दोनों को ऊपर नीचे पटक दो, यहां एक यहां और एक यहां, तो अभी ये हटा लेते हैं, बताओ क्या स्क्वायर प्लेनर बच गया? ये क्या प्लेनर ज्योमेट्री है? ये नॉन प्लेनर या प्लेनर? नॉन प्लेनर। सवाल ऐसा आ जाता है कई बार, कौन सी ज्योमेट्री प्लेनर नॉन प्लेनर? इतना सिंपल सवाल, सिंपल के चक्कर में और डिस्कशन नहीं होता है और छोड़ दिया जाता है सवाल। नॉन प्लेनर, ये भी नॉन प्लेनर है और वो प्लेनर, बताओ वी शेप प्लेनर है क्या? ट्राइगोनल बायपिरामिडल में दो लोन पेयर लगाते हैं तो शेप जो बनता है वो प्लेनर या नॉन प्लेनर? अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में दो लोन पेयर लगाओ, है कहां लगेगा? एक्सियल या इक्विटोरियल? इक्विटोरियल पे दो लोन पेयर लगाओगे तो कौन सा शेप बनेगा? टी शेप, तो प्लेनर होता है। ऐसे सवाल कुछ अभी देखने को मिलेंगे आपको, मॉड्यूल में भी करते हैं कुछ सवालों को। आप पहले ये लिखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ आप कुछ कह रहे थे, बताइए कहाँ? कहीं पे भी डाल दीजिए, कोई किसी पे भी, एक लोन पर, पहला लोन पर आप कहीं भी रख दीजिए। एक मिनट रुकिए, क्या रख दे वो ही बनेगा, सेम बनेगा, उस लोन पर पकड़ के उसको घुमा दे, वो सेम बनेगा, सेम।
ये क्वेश्चन सॉल्व करिए पेज नंबर 99 पे। प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटॉन का एडिशन मतलब H प्लस, प्रोटॉन मतलब H प्लस, H प्लस का एडिशन। इसमें मॉलिक्यूल ही नहीं मिला, कोई कोई मॉलिक्यूल मिले तो कुछ बने बात।
सात सवाल दिए थे आपको, इसमें आपको ऐसा मिला प्लेनर नॉन प्लेनर वाला? मैंने कहा था ना आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं प्लेनर नॉन प्लेनर वाले, दो मिले। प्रोटोनेशन वाला आ गया, गया क्या होता है प्रोटोनेशन, मतलब H प्लस का एडिशन। अब बताओ H प्लस अपना खाली डब्बा लेके आएगा और किसके पास लेके आएगा? H2O के पास, ये H2O और ये H प्लस। बताओ ऑक्सीजन पे कितने लोन पे रहे? यूं कर देगा ये। अब कितने बचे? एक। अब वो क्या पूछ रहा है? H2O से जब H3O प्लस बन रहा है तो इसमें क्या चेंज आ रहा है, शायद ये पूछ रहा है, या चेंज नहीं आ रहा है? बताओ क्या शेप में चेंज आएगा? इसका शेप वी शेप बनाया गया था ना, इसका शेप अभी बनाया था आपने, अभी आपने लिखा है शेप आपकी कॉपी में, पिरामिडल। पिरामिडल H3O प्लस का शेप मैंने दिया था शायद आपको, आपने कॉपी में भी आप क्वेश्चन नहीं दिया था क्या? अच्छा वो हाइब्रिडाइजेशन में दिया था, हाइब्रिडाइजेशन में H3O प्लस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उस पे एक लोन पेयर था पिरामिडल। डाउट बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका डाउट का यार, डाउट बताइए मुझे फटाफट जल्दी। हाँ बोल डाउट बोल। 16 नंबर का सवाल देखिए, 16 नंबर का डी ऑप्शन देखिए, PCl3 क्या हो गया इसमें? PCl3 की शेप क्यों बनेगा यार? पिरामिडल बनेगा ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल बनेगा, PCl3। देखिए डाउट बोलिए, आपको ये डाउट नहीं आया? बी ऑप्शन इसका 16 का बी। बताओ नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं, कितने निकाले, कितने बचे? तीन, तीन से तीन बॉन्ड बन गया। ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये क्या बनाया मैंने? sp3d3। अच्छा sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 में स्क्वायर बाई पिरामिडल, sp3d3 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो इधर देखो आप, इसको छोड़ो एक मिनट, इधर देखिए आप, ये पेंटागन बनाया, एक दो तीन चार पांच। बताओ जब पेंटागन बनाऊंगा तो इक्वली अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एंगल्स को तो 72 डिग्री आएगा, कैसे आएगा बताओ? 360 का पूरा रोटेशन होता है, डिग्री डिवाइडेड बाय पांच, तो 72 आंसर आएगा इसका। 72 डिग्री क्यों, यूं 72 डिग्री पर अरेंज कर दिया, एक ऊपर और एक नीचे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इस बार उल्टा होगा, ये जो एक्सियल होते हैं ये छोटे होते हैं, इक्विटोरियल थोड़े लंबे होते हैं, जबकि पहले ऐसा उल्टा हुआ था। बताओ sp3d ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन में जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना था उसमें ये लंबे थे। अच्छा मैंने आपसे क्या कहा था, लोन पेयर पर्सनल प्रॉपर्टी है, बताओ लोन पेयर को कहां रखा जाता है, जब पास में या दूर? तो बताओ इस वाली ज्योमेट्री में जो पास वाली पोजिशन है वहां रखेंगे, तो एक्सियल पे रखेंगे। ये दो लोन पेयर का केस आया, ये वाला तो मैंने ऊपर नीचे रख दिया, यूं और यूं, तो बचाओ बीच का बच जाएगा वो, तो क्या बच गया? पेंटागोनल प्लेनर। और जो एक लोन पेयर का केस होता है वो यहां दिक्कत भरा है, कंफ्यूजिंग है एक लोन पेयर का केस। इधर देखिए, ये पेंटागन बनाया, एक दो तीन चार पांच, बाई पिरामिडल बना दिया, इसमें ये लोन पेयर बीच में आके कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करता है। ये बाई पिरामिडल वाला था और ये यहाँ बीच से, तो वो बॉन्ड तो यहां से, तो ये तो बॉन्ड तो कम बनेगा ही बनेगा एक, और यहां से लोन पेयर आने की एडजस्ट करता है कहीं एंगल बना के। तो इतना आपको डीप में कहीं पूछेगा नहीं आपसे कोई कि कहां से आ रहा है और क्या हो रहा है, आपसे शेप पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट्रल। जैसे याद करो आपने sp3d यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे जब आपने एक लोन पेयर लगाया था तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बना था, यहां एक लोन पे लगाओ तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट्रल बनेगा, यानी डिस्टॉर्टेड और उसके आगे वो वाली ज्योमेट्री जो एक पीछे की है। नहीं समझे आप, बस एक मिनट समझना मेरी बात। आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, उसके पहले की ज्योमेट्री कौन सी थी? टेट्राहेड्रल।
तो वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बना और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टा बना एक पीछे का। मैं आपको रटने का तरीका समझा रहा हूं, मतलब डायरेक्ट इसको याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोन पर थोड़ा गड़बड़ करता है यहां पे, एग्जैक्टली ये इस पोजीशन पे नहीं आता, मतलब यहां ये कहीं और आ जाता है और आपसे कोई डायग्राम नहीं बनवाया जाएगा। ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है, ये भी रेयर है। तो ये पूरी ज्योमेट्री एक रेयर क्वेश्चन आस्किंग है। अभी भी आप देखो, आपको क्वेश्चन आपने किए होंगे तो ये नहीं मिला होगा आपको, तो ये बहुत रेयरली मिलेगा आपको कहीं। sp3d3 तक जो ज्योमेट्री होती है वो आपसे रेयरली पूछी जाएगी। तो आप इसको भी लास्ट इसको लिख दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। इसका जो शेप बना वो पेंटागोनल प्लेनर बना इस वाले को। आपका आज का होमवर्क, घर पे काम करके लेके आएंगे आप, जो पेज नंबर 98 से सवाल जो दिए थे आपको 13 नंबर से, वो एंड तक छोड़ के आएंगे इनको, शेप्स के क्वेश्चन 13 नंबर से लेकर के 40 डाइपोल मोमेंट के पहले तक। और इसमें बॉन्ड एंगल के सवाल भी हैं क्या? बॉन्ड एंगल का सवाल आए तो छोड़ देना। हाँ, बॉन्ड एंगल लिखोगे लिख लो ना, 72 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। अब आप बताओ कैसे, बताओ 72 का तो देखो मैंने बता दिया था, 90 का है ये वाले, 90 के हैं ऊपर वो जो पिरामिडल वाले थे, और 180 के का है वो सीधा एक। 72, 90, 180 तीनों जरूर बनाइएगा। इसका पेंटागोनल बाय पिरामिडल एग्जाम्पल IF7, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और ये पेंटागोनल प्लेनर। काम करके लेके आएंगे। बॉन्ड एंगल का सवाल आपको अटकेगा, आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको पढ़ेंगे।